एक गीत बजा प्यार के फूल मेरे दिल में खिलाने वाले अब तो आ जा मेरी नींदों को चुराने के फूल मेरे दिल में खिलाने वाले अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले। मैं तुझे सोचता रहता हूँ करवट करवट मुझको दीवाना समझते हैं जमाने वाले। गीत कहता है कि रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में ये तन मन तेरा है तू है दिल के तार में सदियां बीती मौसम बीते सदियां बीती तुम पर मरते नाम तुम्हारा जपते सदियां बीती तुम पर मरते नाम तुम्हारा जपते मौसम बदले हम ना बदले ये अपना इकरार है बोल मेरे साथिया बोल मेरे साथिया कितना तुझको प्यार है बाद में बताएंगे जितनी सागर ये फूलमती में मेला कमेटी की तरफ से पुरस्कार आया है बहुत बहुत धन्यवाद तो जितनी सागर की गहराई जितनी अंबर की ऊंचाई उतना तुमसे प्यार है तो बोल अरे बोल अरे बोल बोल मेरे साथिया तुमसे प्यार बोल बोल बताएंगे एक एक कथानक दे रहा हूं वन में विचरण करते करते अर्जुन वा कन्हाई वन में विचरण करते करते अर्जुनवा कन्हाई फटके पथ में प्यास लग गई जलना पड़े दिखाई जाकर थोड़ी दूर सुंदर कुटिया को पाया जाकर थोड़ी ही दूर सुंदर कुटिया को पाया और निकट एक सरोवर में तब प्यास बुझाया तब प्यास बुझाया तब प्यास बुझाया कुटिया के अंदर एक मंदिर ग्रह को निहारे
जब जब तन एक बुढ़िया बैठी लटक रही तलवारे तो तीन तीन तलवारे नंगी कन्हैया पूछने लगे तीन तीन तलवारे नंगी मैया भेद न जाना। बोले बुढ़िया से मधुसूदन क्या कारण बतलाना। बुढ़िया तो कहना पड़ा, कन्हैया पूछने लगे ये तीन तलवारें क्यों लटकी हुई हैं? क्यों? अब कन्हैया पूछ रहे हैं क्या उपवन में कुटिया है, कुटिया के ही पास में माननीय दादाश्री शिव मेमोरियल पब्लिक स्कूल रसूलपुर रायबरेली संरक्षक अरुण कुमार त्रिवेदी कोटेदार आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा कि उपवन में कुटिया है और कुटिया के ही पास में सुंदर सा सरोवर है आए जल की आस में तो देख नजारा प्यारा प्यारा मधुसूदन ने उचारा। देख नजारा प्यारा प्यारा मधुसूदन ने उचारा तो श्रद्धा है भक्ति है आप सदा बलिहार है। अरे मैया बुढ़िया वहां पर थी पूछने लगे कन्हैया अरे मैया बोल बोल माई क्यों लटकी ये नंगी तलवार है। इसे थोड़ी के बोल माई क्यों लटकी ये नंगी तलवार है तो पावन स्थल की सुघराई देवों की तस्वीर सजाई। पावन स्थल की सुघराई देवों की तस्वीर सजाई फिर क्यों कर विचार है। तो बोल अरे बोल बोल माई क्या लटकी ये नंगी तलवार आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद है परिवार की तरफ से आदरणीय बीनू दादा जी की तरफ से। अब जब उस बुढ़िया से पूछा बूढ़ी माँ से जब पूछा कन्हैया ने तो बूढ़ी माँ बताने लगी तीन तलवारें किस लिए लटक रही बताएं कि बोल पड़ी बूढ़ी हा मेरे दुश्मन तीन है। साफ सुथरे हाथ लगा रहे बेटे आदरणीय कल्पना जी सुनिएगा चाचा की बोल पड़ी बूढ़ी हा मेरे दुश्मन तीन है एक यशोदा एक द्रौपदी एक अर्जुन प्रवीण है।
बड़ी भक्ति थी कन्हैया की। अच्छा? यशोदा ने कान्हा के कल रस्सी से बांधा, तो बंध गए भाव में क्या वो मेरे सरकार है। और मारूंगी यशोदा को बड़ी करारी धार है। क्या सुना रहे हैं बेटे? तो बोल, अरे बोल, पूछने लगे बोल के बोल माई क्या लटकी ये नंगी तलवार। अब दूसरी तलवार किसके लिए? द्रौपदी अपवास थी जब उसे पुकारा है। कम समय अच्छा काम तिवारी जी की ढोलक के नाम। कि द्रौपदी अपवेक थी और जब उसे पुकारा है। और श्याम सुंदर बन गए पट और दुशासन हारा है। सारी खींची जा रही है। मेरे कन्हैया भोग लगा रहे थे, खाना खा रहे थे, अचानक बुलाया नहीं है मेरे वैसे ही दौड़ पड़े। दूसरी तलवार की है थार उसके वास्ते। दूसरी तलवार की है थार उसके वास्ते, तो भेद बताए कुछ न छुपाए सुनते नंद कुमार है। कि भेद बताए कुछ न छुपाए सुनते नंद कुमार है। तो बोल 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 माई क्या लटकी ये नंगी तलवार है। बोल माई क्यों लटकी ये नंगी तलवार है। अब अंतिम बात है, तीसरी तलवार। तीसरी तलवार का बतला की मैं भेद है। सम्मान्य दादा श्री बबलू तिवारी रसूलपुर आपके तरफ से 101 पत्र मुद्रा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोर शर्मन बंदर है। सम्मान्य दादा श्री सुरेश सिंह पूर्व प्रधान रसूलपुर आपके तरफ से 101 रुपए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सदैव कल्याण करें भोले बाबा भंडार भाई। तीसरी तलवार का बतलाती वो भेद है। अर्जुन ने हकवाया रथ बंध नहीं, अरे अर्जुन ने हकवाया, अर्जुन ने हकवाया रथ बस यही मुझे खेद है। तो सैलानी सैलानी सर निडर काटे तभी चैन सुख पाऊ। कि सैलानी सर निडर काटे तभी चैन सुख पाऊ। जब तक अर्जुन के सर को मैं नहीं काट देती तब तक मुझे इतना प्रेम करती थी कन्हैया को, इतना मानती थी। क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है। सैलानी सर निडर काटे तभी चैन सुख पाओ। तो तरह तरह के, तरह तरह के भक्त हैं पर भाहुक भाव से पार है। क्या भाव है गुरु? भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। कि गज और द्रौपदी सी टेर सी लगाओ नाथ, नंगे पाओ प्रभु ना आई है तो बतायो फिर। और स्यवरी जैसे पेर, विदुरानी जैसे साग धरो। स्यवरी जैसे पेर, विदुरानी जैसे साग धरो। भाव के भिखारी भोग लगावे ना बताओ, तरह तरह के भक्त हैं पर भाहुक भाव से पार है। ए मैया स्टाइल में गा रहे हो गुरु की। बोल माई, बोल माई, बोल माई की ये नंगी तलवार है। बोल माई के रोनट के बोले कुछ कन्हैया लाल की। ये बहुत बढ़िया चक चक चक। मैं तो कटपी सुन पाया और गीत बहुत दूर से सुन रहा था। बहुत शानदार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो हमारे गांव के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, समिति के अध्यक्ष रजोले दादा जो इकट्ठा करते हैं, उसका अनाउंसमेंट हम अगले चक्र में करेंगे। आप सभी प्रतीक्षा करें, क्योंकि कार्यक्रम फार्म पर चल रहा है तो बीच में व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां इसी बात पर। आइए आमंत्रित कर रहा हूं समानिया कल्पना जी को। कल्पना जी आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि दिल घूम घूम करे घबराए। आइए स्वागत है। बहुत अच्छा। अरे रंग डाला ये जीवन मैंने तेरे प्यार अंबर में गहराई जितनी अंबर में।
अरे जितनी ही सागर में गहराई, जितनी ही अंबर में ऊंचाई, उतना उसे प्यार है वो। अरे वो मेरे साथिया, उतना उसे प्यार है वो। हुल्लापुर प्रबंधक है भैया हमारे धर्मेंद्र धाकड़ साहब जी। धर्मेंद्र भैया की तरफ से 101 पद्म मुद्राएं हैं। धर्मेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ा अच्छा गीत आपकी तरफ से आया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत आपका गहरा है। क्या बेटा क्या बोल बोल, माई क्यों लटकी ये नंगी तलवार है। तीन तलवार, तीन तलवार, तीन तलाक। अच्छा गीत है, बढ़िया है, अच्छा है। अब मुझे भी अस्त्र लाना चाहिए, और वो भी एक दो नहीं तीन ही लाना चाहिए। और क्या बता, और क्या, हम लोग कहाँ जाएं बच के। उधर से तीन तलवार है, और क्या, तो हमारी तरफ से तीन देखिए क्या है, प्रयास कर रही हूँ, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बेटा, तीन तीर ले आओ तू, अब देखें हमारी जिंदगी का होता क्या है। अदर चंद भाजी और उपस्थित हमारे कीर्तन प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जब आपको सुनेगा, सुनिए। भगवान कन्हैया ने देखा कि बरबरी, बरबरी को देखा तो बरबरी के देखा तीन वाण है उसकी भूमि में। पूछा ये वाण किसके लिए है। भगवान कन्हैया जैसी बरबरी से मुलाकात की, कह रहे हैं मेरी गीत की पंक्तियों को नोट करेगा अदने चंदवान जी, तीन तलवार तो तीन तीर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। कि बोल बलवीर ये किसके लिए तीन वाण है। अरे आज बली में जाऊं ये जान किसकी लेंगे ये तो जान। अरे बोले कृष्ण भगवान है वो। अरे बोल बलवीर ये किसकी से 21 पद्म मुद्राएं आपकी तरफ से। और चंदमान भैया ने दूसरे राउंड में महाभारत शुरू कर दिया, और क्या। चलो जवाब सुनिएगा। अरे बोला बलि मचे खलबली सुनो विलक्षण वान है। मुकेश भाई वाकई दिल से मेहनत करते हैं, और क्या। और जहाँ सोहन दादा जी हो तो फिर तो दिल हूम हूम कर ही, और क्या, दिल करे हूम हूम और ढोलक बजाए मुकेश झूम झूम।
भगवान कन्हैया को प्रमाण दे रहा है कि ये बाण क्या करता है। पहला बाण बड़े भैया। अरे कर मृत्यु को चिन्हित बाण, जिसकी जिसकी जहाँ से मृत्यु है ये पहला बाण उसको चिन्हित करके आता है। वाह, पहला बाण उस अगर निशान लगा के आता कि जहाँ से जिसकी मृत्यु है। बड़े भैया, अरे कर मृत्यु को चिन्हित बाण, मान सको तो मान श्रीमान। अरे लखन मेडिकल स्टोर सरेनी बाजार, और बड़ा स्नेह था लखन भैया का। जब भी सरेनी क्षेत्र में आते थे लखन भैया हमेशा हर जगह मिलते थे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज सरेनी क्षेत्र में कार्यक्रम है रसूलपुर में, और यहाँ तो भैया उपस्थित रहते ही थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर होंगे। लखन भैया 101 पद मुद्राएं आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। सुनिए, ये संकल्प से ये बाण आएगा से, अरे संकर से भयंकर से पाए मैंने बाण है, प्राण हरे घाव करे और करे जीवन दान है। क्योंकि पहला बाण मेरा उस वस्तु पे या उस जगह निशान लगा के आता है जिसे मुझे मिटाना है। दूसरा बाण उन वस्तुओं पे या उस जगह चिन्हित करता है जिसे मुझे बचाना है। और ये तीसरा बाण उस पर वार करता है जिसको मेरा पहला बाण चिन्हित करके आया है। तो अरे आज मैं दूंगा, अरे आज मैं दूंगा तुम्हें ये प्रमाण, लिया बाण है मैंने तान। अरे बाण करे मैदान है वो बलवीर, ये पहला बार गया जहाँ जहाँ बोले अगर तुम कर सकते हो तो इन पत्तों में भेद सकते हो। बोले हाँ, भगवान कन्हैया ने कहा प्रमाण दो। बरबरी के लिए अपना तीर चलाया और पूरे पत्रों को भेद करके आया, और उसने कहा कि अपने पैर को भी तो हटाओ क्योंकि एक पत्ता तो इसके नीचे भी छिपा है। और भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा तो उस पत्ते में भी छेद मिला है। अरे गुरु।